ये मजेदार है। वी, ब्रुम ब्रुम ब्रुम। ये कमरा बहुत गंदा है, बाहर जाओ और खाना खाने के बाद अपना कमरा साफ करना। माफ करना मामा, हम इसे बाद में साफ करेंगे। चलो जॉर्ज। खाना बनाते हुए मम्मी पिग ने बाहर कुछ आवाज सुनी। ये कौन हो सकता है? मैं आ गया। देखो पापा पिग घर आ गए और वो अपने साथ कुछ लाए हैं। अरे पापा पिग घर में बहुत बड़ा टीवी लेकर आए हैं। पापा पिग, आप ये कहाँ से लाए? ये सुपर मार्केट में सेल में लगा था। सुनिए ये बहुत भारी है। अरे ये क्या झमेला है? माफ करना मम्मी पिग, मैं अभी साफ करता हूँ। यार एक और दुर्घटना। पापा पिग, चीजें तोड़ना बंद करो और मेरे साथ रसोई साफ करवाओ। अरे एक मिनट, मैं ये टूटा लैंप साफ कर लूं। अरे ये सारा ही टूट गया। यहाँ इतने बड़े टीवी के लिए कमरा नहीं है, हमारा घर बहुत छोटा है। इसे वापस करो। अरे मुझे बच्चों को खाने पे बुलाने दो। पापा, जॉर्ज, आओ खाना खाओ। मामा मामा, देखो बाहर हमें क्या मिला। क्या हम इसे रख लें? नहीं, हमारे पास किटी के लिए कोई कमरा नहीं है। लगता है ये टीवी वापस ही करना पड़ेगा। माफ करना, हमारे पास इन सब चीजों के लिए कमरा नहीं है। रुको बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गजब की चीज है। ये देखो, ये है विशाल पेपा पिग हाउस। ये बहुत बड़ा है, लगभग 22 इंच लंबा। इसमें 1, 2, 3, 4 मंजिलें हैं, जिसमें 1-2 बेडरूम आते हैं। साथ ही घर में कंप्यूटर के साथ खास दफ्तर और एक सीढ़ी जो छत वाले कमरे में जाती है, और यहाँ खुली छत के नीचे एक दूरदर्शक, तारे देखने के लिए एक सचमुच का लैंप, और उछल कूद करने के लिए कीचड़ का तालाब। ये 3 आकार में आता है। पेपा की गॉड मदर वाली कमीज, जॉर्ज की बंदर वाली शर्ट, जो की जेब्रा वाली शर्ट, जो थोड़ी देर में सेटिंग्स के बाद आएगा। अरे वाह, देखो स्नान घर और ये सुंदर रसोई। इसका मतलब हम अपना बड़ा टीवी रख सकते हैं। और हमारी नई किटी बिल्ली, मुझे लगता है ये। वाह, ये बहुत अच्छी खबर है। चलो इन्हें डिब्बे से बाहर निकालें और एक साथ जोड़ दें। वाह बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों चलो अंदर आओ और काम शुरू करते हैं। पीछे आओ। ठीक है, अब यहाँ लाइट जलाओ। अरे वाह, ये तो काम करता है। सबसे पहले हम ये बैंगनी रंग का बड़ा सोफा रखेंगे। अब रसोई को देखते हैं, और सबसे पहले ये फ्रिज को रखते हैं। ये यहाँ कोने पर ही अच्छा लगेगा। चलो इसको खोलो और अंदर खाने की चीजें देखें। वाह ये सारी चीजें देखो। चलो कुछ अपनी चीजें रखें। ये मजेदार डोनट कैसे रहेंगे? डैडी पिग इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे थोड़ा बचा कर रखो। अब बारी है कमरे के डाइनिंग टेबल की। इसको हम फ्रिज से दूर करके रसोई के सामने रख देंगे। अब हमारे पास 1 कुर्सी है और 2 कुर्सियां। अब हम मम्मी पापा के कमरे में हैं। उन्हें बिस्तर चाहिए। क्या तुम्हें पता है पुराने घर में मम्मी पापा के पास बेडरूम नहीं है? वो इसे पसंद करेंगे। और ये सुंदर ड्रेसिंग टेबल, ये बेडरूम को निखार देगा। चलो अब जॉर्ज और पेपा के कमरे में। इनके पास भी पलंग है, लेकिन ये चारपाई जैसा है। नीचे जॉर्ज के पास डायनासोर वाला कंबल है, और ऊपर पेपा के पास पोल्का बिंदुओं वाला कंबल है। क्यों, है ना शानदार? वाह बहुत बढ़िया। और अब स्नान घर, ये नहाने का टब, छप छप छपाक। और ये है शौचालय, जो सच में बंद और खुलता है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। और अपने घर के दफ्तर के लिए ये कंप्यूटर, गृह कार्य के लिए और यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। दफ्तर के लिए कुर्सी भी चाहिए। देखो ये घूमती भी है। इसे यहाँ डेस्क के नीचे खिसका दो। अरे ये क्या है? ये है दूरदर्शक, काफी दूर की चीजों को देखने के लिए, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा। पापा के इस बड़े टीवी को मत भूलना, जिस पर ये मछली वाली कटोरी है, और असली का बटन। ये गजब है, इसे बैठक में रखना चाहिए। अगर पापा पिग नई चीज लाते हैं तो मामा के पास भी होनी चाहिए। तो ये ओवन कैसा रहेगा? ये चलता भी है, उन्हें पसंद आएगा। इसे रसोई में रख दो।
अरे वाह बच्चों, ये घर कितना सुंदर लग रहा है, पर अभी बाकी है। सबको न्योता देने से पहले मुझे घर में और चीजें लगाकर इसे तैयार करना होगा। किटी को खाना खिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए कटोरी चाहिए, और ये खूबसूरत फूल मम्मा और पापा के ड्रेसिंग टेबल के लिए। फूलों को धूप पसंद है इसलिए इन्हें खिड़की से बाहर रखें। देखो सूरज की किरणें फूलों को खिला रही हैं। अब जॉर्ज और पापा के कमरे में कुछ रखते हैं, ये गिटार संगीत बजाने के लिए। सुंदर सीढ़ी बिस्तर पर चढ़ने में मदद करेगी। अच्छी नहीं लगी क्या? अब छत पर काम करने की बारी। ये ग्लोब के आकार में जैसे पृथ्वी ग्रह, वही पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं। और यहाँ पर देखिए सुंदर कैक्टस परिवार की देखभाल के लिए। इन्हें कभी छूना मत क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं। चलो अब कुछ बाहर रखते हैं। ओ मजा आ गया, ये है स्विमिंग पूल। चलो इसे यहाँ रखते हैं। और यहाँ सुंदर सर्फ बोर्ड। सर्फिंग में बहुत अभ्यास करना पड़ता है लेकिन मजेदार है। पापा पिक को बाहर खाना बनाने के लिए ये तंदूर बहुत पसंद आएगा। पापा और उसके परिवार के लिए ये विशाल घर तैयार है। देखो ये कितना सुंदर लगता है। अब समय हो गया पापा परिवार को आमंत्रित करने का। वाह ये तो बहुत बड़ा घर है, चलो अंदर चले और इसे देखें। बहुत शानदार, तुम भी अंदर आ जाओ। Don't forget kitty guys। अरे किटी भूखी है। ओ बहुत अच्छी लड़की हो। वो सच में बहुत भूखी है। हे देखो मडी पडल। अब अपने आप को देखो, दोनों जाओ और नहाओ। हाँ मम्मा पेग। चलो कुछ बुलबुले डालें। ही, नहाना बहुत मजेदार है। मुझे लगता है ये अच्छा समय है, मुझे नया बड़ा टीवी चलाना चाहिए। मैं रसोई देखने जा रही हूँ। ये जेनेवीव्स प्ले हाउस है। अरे मेरा पसंदीदा शो। वो देखो कुछ कैक्टस। शुक्रिया किटी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मुझे लगता है किटी पापा और जॉर्ज के कमरे में सोना चाहती है। चलो अब मम्मा पिक को देखते हैं। ओ लगता है वो ओवन में डोनट्स बना रही है। अब ये नहा के साफ हो चुके हैं। पापा और जॉर्ज को नए कपड़े पहनने चाहिए। पापा, जॉर्ज, पापा पिक, चलो नाश्ता करो। तुमने सुना? चलो। नाश्ते के बारे में क्या बात हो रही है? बहुत लजीज मामा, क्या हम खेलने के लिए जाएं? जाओ खेलो। ओ जॉर्ज किटी को उठाना चाहता है। देखो वो गिटार बजाएगा। पापा घर के दफ्तर में खेलना चाहता है। अरे वाह कंप्यूटर। शहर में रात को बहादुर योद्धाओं की टोलियां पार्टी करके काफी जश्न मनाते हैं। हेलो, क्या मैं अंदर आके खेलूं? हाँ अंदर आ जाओ। वाह बहुत सुंदर घर। शुक्रिया जोई, ऊपर जाके तस्वीर पेंट करना चाहोगी? बिल्कुल, चलो चलते हैं। सबसे पहले नीला चाहिए। अब कुछ थोड़े लाल और अब पीला। कितनी बढ़िया तस्वीर। पापा क्या कर रहे हो? ये छत है।
छत पे खेलना चाहोगे? बिल्कुल। तुम्हारी बारी। मैं भी। देखो ग्लोब और दूरदर्शक, चलो इसे देखें। अरे मैं अंतरिक्ष को देख रहा हूँ। ये लाल रंग के धब्बे वाला बृहस्पति ग्रह है और ये छल्ले वाला शनि ग्रह है और अब मुझे चांद दिख रहा है। अरे वहाँ रॉकेट जहाज उतर रहा है। अरे वहाँ दादू पेग। क्या, मुझे भी देखने दो। हाँ, और वो ऊपर नीचे कूद रहे हैं। बच्चों देर हो रही है, हमने चांद पे दादू पेग को देखा और वो ऊंची छलांग लगा रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये सोने का समय है। बाद में मिलता हूँ जोई। शुभ रात्रि पापा। शुभ रात्रि जॉर्ज। गुड नाइट। बहुत बढ़िया, अब हम सभी लोग एक साथ सोने लगे हैं। हाँ, पर किटी कहाँ गई? किटी। हमने बहुत सो लिया, अब अच्छा दिन है तंदूरी खाने का और तैरने का। नहीं किटी, मत करो। ओहो, मैं अभी चांद से आया हूँ, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं हे? आज जॉर्ज पिक की बर्थडे पार्टी है। मम्मी और डैडी पिक पार्टी की सजावट कर रहे हैं। वहाँ ये अच्छा लग रहा है। और इस दौरान पापा ने जॉर्ज को टी पार्टी दी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े बच्चों की तरह चाय पी सकते हो। ये लो जॉर्ज। क्या चाय लाजवाब नहीं है? जॉर्ज थोड़ा सभ्य बनो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें अपने जन्मदिन पे क्या चाहिए? डायनासोर। जॉर्ज तुम डायनासोर्स के बारे में बहुत बोलते हो। डायनासोर। देखो पॉली पैरेट भी यही बोल रहा है। और ये आखिरी सजावट, केक। बच्चों पार्टी के लिए नीचे आ जाओ। ओ जॉर्ज तुमने सुना, चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो देखते हैं क्या पहनना है। अलग दिख रहा है। बढ़िया, तुम्हारी बारी जॉर्ज। नहीं, वो तुम्हारे पजामे हैं। हेलोवीन कपड़े नहीं, बिल्कुल बकवास। बिल्कुल बकवास। अब ये बढ़िया है। चलो अब जल्दी से नीचे पार्टी में चलें। बर्थडे पार्टी। हैप्पी बर्थडे जॉर्ज। चलो मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। डायनासोर। बिल्कुल सही, हमने डायनासोर केक बनवाया है, तुम्हारा मन पसंद। चलो अब मोमबत्तियाँ बुझाओ। चलो कुछ खाएं ताकि हम उपहार खोल सकें। स्वादिष्ट। चलो अब गिफ्ट देखें। ये पीला उपहार और ये बैंगनी, ये लाल वाला और ये हरा तोहफा। अरे जॉर्ज तुम्हारे पास चार तोहफे हैं। जॉर्ज के पहले उपहार में है एक साइकिल। ये साइकिल। जॉर्ज के दूसरे उपहार में है एक मजेदार घोड़ा। ये और जॉर्ज के तीसरे उपहार में है एक लाल गाड़ी, इंद्रधनुषी गाड़ी। अगर जॉर्ज को अपने आखिरी तोहफे में डायनासोर नहीं मिला तो वो बहुत नाराज होगा। लगता है हमें रुककर देखना पड़ेगा। और जॉर्ज के आखिरी उपहार में है एक बड़ा डायनासोर। जॉर्ज को नए तोहफे पसंद आ रहे हैं। अभी एक तोहफा और बाकी है। वो रहा, इसमें क्या है? हम खास जगह जा रहे हैं, बहुत दूर। अपना सामान बांधो और गाड़ी में आ जाओ। रोमांच, चलो जॉर्ज। सब सामान के साथ तैयार है? हाँ, पर कितनी दूर जाना है? बहुत दूर, हम हवाई अड्डे पर जा रहे हैं और फिर जहाज से जाएंगे। अरे वाह, क्या हवाई जहाज खतरनाक है? नहीं नहीं, ये सबसे सुरक्षित यात्रा है, कार से भी ज्यादा सुरक्षित। लेकिन सबसे पहले हमें हवाई अड्डे पर जाना है। चलो बैठो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। चलो चलो जल्दी करो, गाड़ी में जाएंगे, इसमें मजा आएगा। चलो अब हवाई अड्डे चलो। क्या हम वहाँ पहुँच गए? थोड़ा इंतजार करो पापा।
ये हम पहुंच गए। हेलो पापा, अगर आपको जहाज में जाना है तो अपनी गाड़ी खड़ी करो और जहाज में बैठो। बिल्कुल। ठीक है, मेरे पीछे जहाज में आओ। है ना सुंदर? वाह, चलो अब अंदर देखो। हमारे पास 1, 2, 3 सीटें हैं। लेकिन हम 4 हैं, सब लोगों के लिए जगह नहीं है। ओह, ये तो मुश्किल हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा। जेरीपेग पायलट जहाज को उड़ाने के लिए ऐसा ही करते हैं। लेकिन कॉलेज में मैंने बहुत फ्लाइट सिमुलेटर्स चलाए हैं, ये कितना मुश्किल होगा। ठीक है, अपनी जगह पर बैठ जाओ। जॉर्ज, तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए सबसे पहले तुम जाओ। मम्मी, तुम दूसरे नंबर पर जाना। ठीक है। तीसरे नंबर पर मेरी बारी। और अब एक एक्सपर्ट पायलट कॉकपिट में बैठने जा रहा है। डैडी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक अनोखी जगह पर जा रहे हैं, तुम्हें वहीं जाकर ही पता चलेगा। मैं सामान पीछे रखती हूँ। ठीक है, सब सुरक्षित है। उड़ान के लिए तैयार। चलो देखें ये बटन क्या करता है। अरे, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, लेकिन जितने मुझे याद है यहाँ उससे ज्यादा बटन है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये हो गया। उड़ान के लिए तैयार। सीधा उड़ाओ ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये उतना ही मुश्किल है जितना दिखता है। ओ, हम पहुँच गए, अब मुझे दिखा। अरे वाह, हम नीचे उतर रहे हैं। ये आ गए, बढ़िया फ्लाइट। मैं चकरा गई। हम घर के लिए टैक्सी लेंगे। ए, मिला। बिल्कुल सही जॉर्ज, और हमारे पास खेल के लिए पूरा दिन है। तुम्हें यकीन है कि जहाज को यहाँ रखना चाहिए? अरे कोई बात नहीं, मैंने देखा है यहाँ हर कोई ऐसा ही करता है। जॉर्ज, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है, तुम सबसे पहले क्या लोगे? डायनासोर। हाँ, मुझे पता है कि तुम डायनासोर के साथ खेलोगे। तुम्हें ढूंढ लिया। देखो जॉर्ज, तुम्हारा दोस्त रिचर्ड रैबिट। हाँ, मुझे लगता है मेले में तुम्हारे काफी दोस्त होंगे। तुम कैसे हो बच्चों, चलो घुमाओ। तुम्हारी बारी जॉर्ज। ये डायनासोर। मैं झूले पर झूलूंगी। पापा, यहाँ देखो, देखो ये तुम्हारे दोस्त पेड्रो पोनी और कैंडी कैट। मेरे दोस्त यहाँ है, मुझे उनके साथ खेलना है। वो मेरे साथ सीसॉ में खेलना चाहते हैं। मैं खेलूंगा, मैं नीचे आ रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। रेल से मेले में जाओगे? ग्रैंडपा पिग। ग्रैंडपी। मैंने सुना है आज किसी का जन्मदिन है, ट्रेन में बैठो, मैं तुम्हें सैर कराऊंगा। ठीक है दादू। रेलगाड़ी। रेल यात्रा का आनंद लो बच्चों, पैदल चलकर मुझे यही मिलना। पैदल? हाँ, तुम्हें कसरत की जरूरत है। सब बैठे हैं। बच्चों, हम मेले के मैदान में हैं। वाह, क्या हम यहाँ उतर सकते हैं? हाँ हाँ बच्चों, मजे करो। मैं अगले स्टॉप पर उतरूंगा। टाटा। देखो जॉर्ज, मेरी गो राउंड।
कौन सा झूला लेना चाहोगे? हरा डायनासोर। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मैं लाल घोड़े पर झूलूंगी। आओ सूजी, हम दो हैं और तीन सीटें, क्या तुम हमारे साथ झूलोगी? ठीक है पापा। ठीक है पीली बतख। मुझे पसंद है। डैडी पिग आओ, इतनी देर क्यों? अरे चलना कितना मुश्किल है। पापा अब तुम्हारा सारा परिवार यही है, क्या तुम जादुई आईने का बक्सा देखना चाहोगी? हाँ सूजी, दिखाओ वो कहाँ पर है। ये रहा जादुई आईना, मुझे देखने दो। इसने मुझे पागल बना दिया है। लेकिन ये जादू नहीं है, ये है देखो अब्रकज़म। सूजी ये तुमने क्या किया? तमाशा। सूजी मुझे जल्दी बदलो अब्रकज़म। शुक्रिया, लेकिन मुझे जादू बिल्कुल पसंद नहीं। कैंडी कैंडी बच्चों के लिए, ये है कैंडी। मिस्टर पोटैटो, क्या तुमने कैंडी कहा? जी हाँ, क्या तुम सबको कैंडी चाहिए? मेरे पास है लाल स्ट्रॉबेरी, गुलाबी आड़ू, नारंगी संतरा, हरा तरबूज, नीले ब्लूबेरी और कई आकार के लॉलीपॉप। तुम क्या लेना चाहोगे? मुझे चाहिए लाल, गुलाबी, हरा और गर्म लॉलीपॉप शेक। अरे छोटू तुम्हें क्या चाहिए? नीला, नारंगी और तारा। ठीक है ये लो, तीन टुकड़े लड़के के लिए और चार टुकड़े लड़की के लिए। तीन और चार सात, ये हो गए $7। $7 की कैंडी? अरे घबराओ नहीं, सारी कमाई अच्छे काम में जाएगी। देखो डैडी मेरे पास $2 है, क्या इससे कुछ मदद होगी? देखो 7 में से 1 घटा 6, 7 में से 2 घटे 5, मुझे $5 चाहिए। हमारे पास $5 हैं। मेरे $2 मिलाकर $7 हो गए। बहुत बढ़िया, कैंडी का मजा लो बच्चों। शुक्रिया मिस्टर पोटैटो। आपका स्वागत है बच्चों, फिर मिलेंगे। बच्चों अब क्या करना चाहोगे? चलो अब फेरिस व्हील पर चलें। ये लगता है हमें इंतजार करना होगा। पापा इधर इंतजार करो और अपना चेहरा भी रंगवा लो। सही कहा, शुक्रिया रिबेका। क्या रंगवाना चाहोगी? मैं रंग सकती हूँ हाथी, शेर और भी कई जानवर। चीता कैसा रहेगा? ठीक है यही खड़े रहो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, शुक्रिया। पापा जल्दी करो, तुम्हारी राइड छूट जाएगी। हाय मम्मी। जॉर्ज मुझे उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा होगा, ये हमारा तरीका है बोलने का हैप्पी बर्थडे। अब तक का शानदार जन्मदिन। पेपा और जॉर्ज का सोने का समय है, डैडी पिग उन्हें सोते वक्त कहानी सुनाएंगे। आज रात की कहानी है जादुई किला। अरे ये तो नई कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, काफी दूर एक बड़ा किला था। क्या बड़ा? सुनने में तो बड़ा नहीं लग रहा। ओ ठीक है, काफी समय पहले बहुत दूर एक बहुत बड़ा किला था। अब ठीक है। और अंदर बहुत ही जबरदस्त चीजें थी। जैसे? कलाकृतियाँ, बेशकीमती गुलदस्ते, अति सुंदर फर्नीचर और राजाओं जैसा स्नानघर। और क्या? ओ चलो देखते हैं। वहाँ पर भोजन कक्ष में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टेबल खाने की कुर्सियों के साथ था और नीले रंग के नरम कुशंस भी। अरे वाह। वहाँ पर खाना भी था, पनीर, ताजा सलाद और दिल जैसे आकार वाली चेरी पाई। डैडी आप हमें थका रहे हो या भूख लगा रहे हो? माफ करना, कई बार मेरा पेट कुछ ज्यादा बोलता है। कहाँ था मैं? ओ हाँ, रानी के कक्ष के अंदर बहुत ही सुंदर जामुनी और सुनहरे रंग का सिंहासन था। सिंहासन के साथ ही खजाना भी था। खजाना जिसे संभाल कर रखना होगा। शौचालय में मेरी सबसे पसंदीदा सुविधा है, कोई बता सकता है वो क्या है? सिंक? डायनासोर? नहीं नहीं, ये राजा का एक बाथटब था जो कि भरा हुआ था गम्बॉल्स। गम्बॉल्स? हाँ जामुनी वाली। ठीक है, वो जामुनी रंग की गम्बॉल से भरा हुआ था।
राजकुमारी के कमरे में एक बड़ा नीले रंग का पलंग था, साथ में नीले रंग के तकिए भी थे। राजकुमार का पलंग? सही, अगर राजकुमारी का पलंग नहीं होता तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं पापा से मजाक कर रहा था। राजकुमारी के कमरे में एक गुलाबी रंग का पलंग था। ये अच्छा है। और गुलाबी रंग के ही तकिए थे। ड्रेसिंग रूम के अंदर एक शानदार अलमारी थी जिसमें सारे शाही परिवारों के वस्त्र रखे हुए थे। किले के बाहर राजा और राजकुमारी के लिए एक बालकनी थी। मैं हूँ राजकुमार, यहाँ से वो अपनी सारी प्रजा को देख सकते थे। इस शाही परिवार के अपने झंडे भी होते थे जो वो किले के ऊपर लगाते थे। अरे वाह, वो सच में इस धरती का सबसे सुंदर किला था। क्या वहाँ टीवी था? क्या टेलीविजन? अरे नहीं, ये टीवी के समय से पहले की बात है, उससे भी कुछ बेहतर था, एक आईना। आईना टीवी से बेहतर कैसे हो सकता है? वो एक जादुई आईना था जो हर इच्छा को पूरा कर सकता था। ओह, काश हम इस किले में होते। हे भगवान, जॉर्ज, हम डैडी की कहानी से इस किले में आ गए। चलो कुछ और मांगते हैं। काश हम यहाँ होते। ये चल गया, ये जादुई आईना सच में काम करता है। ओ दोस्त, जॉर्ज पिक चाहता है पेपा फ्रॉग बन जाए। जॉर्ज, तुम मुझे फिर से वापस वैसा बना दो, जल्दी। अब ठीक है, चलो कुछ खाते हैं, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे यार, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, चलो चल के नहाते हैं। ऊपर नीचे कूदो, पानी में जम कर खेलो, पानी में जम कर कूदो, छपक छपक छपक, चलो तकिए से लड़े। वाह, चलो जॉर्ज अपने पलंग पे आराम करें। पेपा अपने राजकुमारी वाले पलंग पर सो गई है और जॉर्ज अपने राजकुमार वाले पलंग पर। जॉर्ज, हमें उठना चाहिए, हम खजाना देखना भूल गए। इसे खोलो और देखो, महफूज है। अरे, टेडी अंदर ही है। अब मैं राजकुमारी जैसे सिंहासन पर बैठूंगी। जॉर्ज दुखी है क्योंकि उसे डायनासोर चाहिए। फिक्र मत करो जॉर्ज, राजकुमारी होने के नाते मैं तुम्हारा डायनासोर ढूंढ दूंगी। मैं टेडी को यहाँ सुरक्षित रख के जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। सिर्फ आईने से कहो, मुझे जॉर्ज के पास डायनासोर चाहिए। अरे नहीं, जादुई आईना टूट गया। घबराओ मत जॉर्ज, हम अपने घने जंगलों में डायनासोर ढूंढ सकते हैं। चलो बाहर देखो। जॉर्ज, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वहाँ कहीं डायनासोर होंगे। अरे, मैंने कुछ देखा। डायनासोर? नहीं, उससे भी बेहतर, कीचड़ का तालाब। पेपा और जॉर्ज को मडी पडल पसंद है। चलो कूदो। रुको, वो क्या था? ड्रैगन! अरे नहीं, हमारा खजाना, वो उसे दूसरे किले में ले जा रहा है। वो टेडी को ले गया, हमें उसे वापस लाना होगा। जॉर्ज के पास एक तरकीब है। रुको, मेरा इंतजार करो। जॉर्ज, ये जादुई आईना काम नहीं कर रहा। ये अलमारी, इससे मदद कैसे मिलेगी? तड़ा, नाइट आर्मर, शायद इससे कुछ हो। जाओ टेडी को बचाओ। ओए ड्रैगन, मेरा टेडी वापस करो।
हम अपना टेडी वापस ले लेंगे। ये बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे? तुमने हॉर्सी ट्विंकल टोस खोज लिया, वाह! तुमने कर दिया, चलो अब उस ड्रैगन को रोको। ठीक है, अब हमें देखना है कि वो कहाँ है। पेपा, जॉर्ज, मदद करो! अरे नहीं, ड्रैगन के पास सूजी भी है। मैं आ रही हूँ सूजी, रुको। तुम बहुत बुरे ड्रैगन हो। पेपा देखो, वो मुंह से आग निकाल रहा है। बहादुर जॉर्ज वापस आ गया। जल्दी पापा, ये गुलेल चलाओ। आह, बहुत भारी है। वाह, मैंने कर दिया, ड्रैगन को हरा दिया। अब बहादुर जॉर्ज ने सूजी शिप को बचा लिया। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया जॉर्ज। सूजी, तुम उड़ सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना वापस करती हूँ। खजाना, ये रहा टेडी। मैं तुम्हें बिना खातिरदारी के जाने नहीं दूंगी। अब ड्रैगन की बारी। आबरा कडाबरा। अरे वाह, डायनासोर! देखो, कहा था ना मैं डायनासोर ढूंढ के दूंगी जॉर्ज। चलो अब किले में चलें। वहाँ, अब खजाना सुरक्षित और महफूज है। मम्मी डैडी हमारे रोमांच का विश्वास नहीं करेंगे। हम किले में खेले, हमने ड्रैगन को हराया। सुनो, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? पागल पेपा, हर जादुई किले में एक जादुई आईना होता है। तुम विश मांगो और घर पहुँच जाओ। पर हमारा तो टूट गया, हम घर नहीं जा सकते। घबराओ मत पेपा, मैं उसे जोड़ दूंगी। मुझे बताओ कहाँ पर है वो, तो तुम कर सकती हो। चलो मेरे पीछे आओ, तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकती हो? वो टूट चुका है। हाँ बिल्कुल, तुमने कर दिया। अब मैं घर जाने का और इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी पापा को जादुई किले के बारे में बताना है। उन्हें आश्चर्य होगा। और ऐसे राजकुमार और राजकुमारी ने परी को बचाया और खजाने की रक्षा की। अब तुम गहरी नींद में चले गए। डैडी पिग, क्या बच्चे अब तक सो रहे हैं? बिल्कुल मम्मी पिग, ये जादुई किले की कहानियाँ हमेशा काम करती हैं।